पहले क्लच वायर निकाल रहे हैं। तो अभी हम एलएच कवर खोल रहे हैं पहले। ये हमारा एलएच कवर हो गया है ओपन। तो ये देखिए यहाँ से इसको आप खोलेंगे और यहाँ हमारी क्लच प्लेट्स रहती हैं और यहाँ होता है हमारा बैरिंग। वो आपको खोल के आपको दिखाएंगे किस तरह का रहता है और नया फिट कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो ये है हमारा बैरिंग। ये देखिए अभी आप बैरिंग की हालत, जो ये रोलर बैरिंग है इसके सारे टूट चुके हैं, बैरिंग के जो रोलर हैं ये देखिए। इस वजह से जो हमारी बाइक है वो सेल्फ नहीं उठा रही थी, गंदा लग गया। तो ये इस पे देखिए निशान पड़ चुके हैं ये सारे। इस पे बैरिंग डलवाने का मतलब तो कुछ नहीं बनता फिर, लेकिन क्या करें अब। ये कितना सिस्टम है? ये तो पूरा 4700 की किट है। नहीं तो आप देख सकते हैं नया बैरिंग जो है वो ये है और पुराना वाला कहाँ है, ये पुराने वाली की हालत इस टाइम हो रखी है। लेकिन इसकी जो स्प्रैक क्लच की जो पूरी असेंबली है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल हम थोड़ा उसको घिस के ये बैरिंग डाल रहे हैं, लेकिन जब तक ये बैरिंग चलता है तो उसके बाद हमें पूरी असेंबली चेंज करवानी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल इसको डलवाते हैं हम।
क्लीन कर रहे हैं स्पार्क क्लच की असेंबली को। और यहाँ पे ब्रेक लेदर डल रहे हैं और जनरल सर्विस भी की जाएगी, लेकिन जो कि मैं ऑलरेडी कई बार दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोस में सर्विस करने का और ब्रेक शू चेंज करने का, तो इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक था हमारा ये स्पार्क क्लच का सेल्फ बेयरिंग का, तो आज हमने इसको कवर किया है। तो यहाँ पर भी इसको साफ करेंगे अच्छे से। ऑयल लगा रहे हैं इस पे अभी बैरिंग पे। तो आपका जो ये है ये एक तरफ को घूमना चाहिए इस तरह से, इस साइड को ही लॉक होना चाहिए, तब आपका अच्छे से काम करेगा। इसको फिट करते हैं फिर आपको आगे का दिखाते हैं। मारो। ये हो गई टेस्टिंग इसकी। तो बस चलिए अब इसको जैसे खोला था वैसे लगा देंगे। इस तरह से ये फिट होता है। तो चलो अब इसको अच्छे से इसके नट बोल्ट टाइट कर लेते हैं। इस छोटे बोल्ट को अच्छे से कसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लूज रह गया तो ये फिर बहुत रिस्की हो सकता है। ये है पुराने वाला बेयरिंग जो कि अब किसी काम का नहीं रहा। और ये है हमारे बाइक के ऑनर, इनसे बाद में हम पूछेंगे कि इन्होंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से इनका ये बेयरिंग ख़राब हो गया, वो भी वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से। लग गया हमारा चेन टेंशनर जो कि इस चेन को टाइट करता है। तो बस अभी यही था इसमें वीडियो में आज की। अब एक बार सारे कवर वगैरह लगा के बाइक की सर्विस करके हम आपको बाइक की जो है वो साउंड चेक करवाएंगे। तो फाइनली बाइक की सर्विस भी हो चुकी है, सेल्फ बेयरिंग हम चेंज कर चुके हैं और ब्रेक पैड्स चेंज हो चुके हैं, ऑयल चेंज हो चुका है। तो फाइनली एक बार इसको स्टार्ट करेंगे, पहले किक के साथ थोड़ा ऑयल फ्लो हो जाएगा, अब करेंगे स्टार्ट। शोर काफ़ी है, बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार ऑयल फ्लो अच्छे से हो जाए गाड़ी में उसके बाद हम सेल्फ मार के चेक करेंगे।
क्योंकि सारा ऑयल अभी नया डला है, LH कवर से भी सारा ऑयल ड्रेन किया है हमने, तो एकदम से सेल्फ नहीं देंगे। पहले एक बार अच्छे से ऑयल जो हमारा फ्लो कर जाए पूरे इंजन के अंदर, तो उसके बाद ही हम सेल्फ को प्रेस करेंगे। तो चलो जी अब करेंगे फाइनल टेस्टिंग सेल्फ की। ये देखो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेल्फ काम कर रहा है। चलिए एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो ये बंद की इसके बाद ये देख सकते हैं काफी अच्छे से काम कर रहा है सेल्फ। थैंक यू अंकल जी। तो सर्विस के बाद टेस्टिंग करना ज़रूरी है, तो अब अंकल जी जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। इसमें ब्रेक्स वगैरह सब अच्छे से चेक होंगी। तो ये है यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन, ये बालू पुल से पहले एक गेट है अशोक लेलैंड के साथ में, आप देख सकते हैं ये इनका यहाँ पे शॉप है, वर्कशॉप है जहाँ पे ये काम करते हैं सुरेंद्र जी। ठीक है अंकल जी, ले टेस्टिंग कर ले। तो अब ऑनर जो है ये टेस्ट करने जा रहा है। हाँ भाई ओके ठीक है। तो फाइनली गाइज आपने देखा कि मेरे फ्रेंड है, इनकी बाइक में जो इशू था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। हमारी बाइक में जो चेंज हुआ है वो हमने पूरी जो सर्विस में रहता है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और साथ में हमने इस बार सिंथेटिक ऑयल डाला है। लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको देखने, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मेन मोटिव हमारा वीडियो बनाने का यही था कि ये दिक्कत आई क्यों। तो अब ये ऑनर मेरे साथ बैठे हैं, तो इन्हीं से हम अब डिटेल में पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और किस वजह से आई। तो जो बाइक के ऑनर हैं इनका नाम है अतुल, तो अब ये आपको बताएंगे कि इशू क्यों आया, ताकि आप भी इस चीज़ को लेके चलें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बाइक में इशू आ सकता है। तो आगे अब कुछ वर्ड्स में मिस्टर अतुल बोलेंगे। ये ऐसा हुआ कि जब से मैंने 2016 जुलाई से बाइक लेके रखी है, तब से मैंने किक का बहुत कम यूज़ किया है, सेल्फ ही यूज़ करता था। विंटर्स में भी सेल्फ, फर्स्ट मॉर्निंग में भी सेल्फ से यूज़ किया, तो शायद उस कारण या उस वजह से ये दिक्कत आई। ओके मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपने किक का जो है बहुत कम से कम यूज़ किया है और मोस्टली आप जो है वो सेल्फ का यूज़ करते, चाहे वो समर है चाहे विंटर, चाहे सुबह यूज़ करें चाहे शाम को, बस आपने सेल्फ का यूज़ किया। तो 2016 में आपने बताया जुलाई में आपने बाइक ली थी, तो ये फर्स्ट टाइम आपका बैरिंग चेंज हुआ है? यस फर्स्ट टाइम, अभी तक स्टॉक वर्किंग पे था। ओके तो कितने टाइम से ख़राब चल रहा था ये? लगभग ये भी 3-4 महीने से ख़राब ही था। फिर 3-4 महीने मैंने किक पे यूज़ किया। ओके कभी चल पड़ता था कभी ये रुक जाता था। ओके तो मतलब अब आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो आपको किक के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यस यस। तो बस यही था गाइज आपको मेन बताने का मोटिव कि आप जो है सुबह में कोल्ड स्टार्ट करें बाइक को। कोल्ड स्टार्ट कैसे करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्या है कि बाइक को सुबह कोल्ड स्टार्ट करिए, बाइक को थोड़ी देर स्टार्ट रहने दीजिए 5 मिनट, उसके बाद आप बाइक को चलाइए। दिन भर आप बेशक सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं, और बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है तो आपकी बाइक में सेल्फ का इशू नहीं आएगा। मेरा 2015 मॉडल है, मेरा आज तक सेम सेल्फ चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। तो बस गाइज यही था आपको इस वीडियो में दिखाना कि किस तरह से जो हमारा ये सेल्फ का बियरिंग है किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से इसको हमें मेंटेन करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।